नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम जॉब और जॉब रिलेटेड बातों में और जॉब रिलेटेड वीडियोस हम बना रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होने वाला जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2022 का रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है, और इस रिक्रूटमेंट के दौरान इस बैंक में मैनेजर पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। जैसे कि हमें पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इस बैंक में अभी अभी दो बैंक मर्ज हो चुकी हैं, जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो इस वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी तगड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, और उस बात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों का मैं इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जिस मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरी और एक दरख्वास्त है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो जाते जाते मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के बारे में आपका जो भी कमेंट है वो यहाँ पे देना ना भूलिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में और इस प्रकार के वीडियोस को और बेहतर बना सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और हम यहाँ पर देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होने वाला जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। कितने सारे पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, और कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो मैं सभी से और एक बार दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ताकि यहाँ में जो भी रिक्रूटमेंट होगा उस पोस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए, और देखते हैं क्या है इस वीडियो में, कौन के और किस प्रकार का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने जा रहा है। तो ये है उस पदों का, उन पोस्ट का पूरा डिटेल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुल मिला के 14 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा, और उन 14 पोस्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, और कौन से पोस्ट हैं, कौन से क्वालिफिकेशन होगी, कौन से पोस्ट कौन से रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे होगी, उस सभी बातों के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों से और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं, कौन कौन सी प्रकार की यहाँ पे पोस्ट हैं। कुल मिला के 14 पोस्ट हैं, उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, और उसके हिसाब से हमें आगे जाना है। तो कुल मिला के 25 पोस्ट के लिए, 25 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, 25, उसमें से 14 जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं। एससी के लिए 3 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पे किया भरा जाएगा। तो कुल मिला के 25 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, और उन 25 पोस्ट में 14 डिजिग्नेशंस होंगे, 14 जिसको हम बोलते हैं पदों के लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। उन कौन से 14 पद हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो पहला जो पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर डिजिटल है, दूसरा जो है मैनेजर डिजिटल, तीसरा है मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद है मैनेजर डेटा एनालिस्ट, मैनेजर स्टैटिस्टिशियन, मैनेजर डेटाबेस, देन सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट, मैनेजर इकोनॉमिस्ट, सीनियर मैनेजर इंडस्ट्री रिसर्च, मैनेजर इंडस्ट्री रिसर्च, सीनियर मैनेजर एपीआई, मैनेजर एपीआई, सीनियर मैनेजर डिजिटल लेंडिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैनेजर डिजिटल लेंडिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी,
ये सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं। कुल मिला के 14 पोस्ट हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट के अगर बारे में हम बात करेंगे तो कुल मिला के 25 पोस्ट के लिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर का लीडिंग बैंक है, उसमें होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। आपको अगर ये फॉर्म भरवाना है तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरवाना है, और ऑनलाइन भरवाने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। आगे जाके देखते हैं हम, और मुझे आप सभी से दरख्वास्त है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने का आखिरी तारीख 7 जनवरी 2022 है। आप वहाँ पे जाएंगे तो इसका ऑथेंटिकेशन भी आपको मिलेगा, यहाँ पे वो रिक्रूटमेंट का प्रॉपर सर्कुलर आपको वहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद ही आपको ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, और आपको यहाँ पे जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसको आपको फेस करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा, और इसका कंफर्मेशन देख लें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको वहाँ पे जाके ऑथेंटिकेशन लेके उसके बाद ही फॉर्म भरवाना है, और आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए फेस करना है। आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारी शुभकामनाएं। मैं श्योर हूँ कि आप आगे जाके इंटरव्यू आप ज़रूर क्रैक करवाएंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। मुझे लगता है आपने यहाँ पे जो भी वीडियो मैंने आपको दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो आपको बेल आइकॉन दिखेगा उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, और वहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अलग सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए काफ़ी शुक्रिया।